भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हम हैं असुरराज नमुची। हम पाताल लोक से यहाँ प्रकट हुए हैं। बम बम भोले, जय भोलेनाथ। असुरों के आराध्य भोलेनाथ, हमारी विनती सुने। हमारी विनती सुने भोलेनाथ, हमारी विनती सुने। पाताल लोक से कैलाश में विस्फोट के साथ प्रकट होकर तुम क्या कहने के इच्छुक हो नमुची? सृष्टि की रचना कर ब्रह्मा जी ने हम असुरों पर अन्याय किया है महादेव। आप हमारी स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए सहायता करें महादेव, सहायता करें। तुम ब्रह्मा जी के विरुद्ध हमसे सहायता मांगने आए हो नमुची? सर्वप्रथम तो उनका विरोध ही निराधार है, ऐसी स्थिति में हमारी सहायता का प्रश्न ही नहीं उठता। ब्रह्मा जी से मेरा विरोध निराधार है? हम असुरों को पाताल लोक के अंधेरे में धकेल दिया, फिर भी हमारा विरोध निराधार है? तुम भूल रहे हो नमुची कि वृत्ति और योग्यता के अनुसार ही श्रेणी प्राप्त होती है। हिंसा, घृणा, द्वेष और प्रतिकार, ये सभी निम्न वृत्तियां हैं जो तुम असुरों के चरित्र का अंग है। निम्न वृत्ति वालों को निम्न स्थान ही प्राप्त होता है, वही तुम्हें भी हुआ है। अब इसमें विरोध का क्या कारण है? कारण और तर्क से हमारा कोई संबंध नहीं है भोलेनाथ। हम असुरों का स्वर्ग पृथ्वी पर समान अधिकार होना आवश्यक है, वो हम लेकर रहेंगे। नहीं, वो तुम्हें नहीं मिलेगा नमुची। पृथ्वी और स्वर्ग का निर्माण सद्वृत्ति वाले सत्पुरुषों के लिए हुआ है, आसुरी वृत्ति वाले असुरों के लिए नहीं। अर्थात आपको असुरों के हित की कोई चिंता नहीं है भोलेनाथ? असुरों का हित इसी में है कि वो जब तब और व्रतों का पालन करके अपनी आत्मिक शक्ति का विकास करें, त्याग कर दें आसुरी वृत्तियों का और अपना लें सात्विक वृत्तियों को। फिर उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार करने से कोई नहीं रोक सकता, हम भी नहीं। भोलेनाथ, अपनी जन्मजात आसुरी वृत्ति का त्याग करना हमारे लिए असंभव है। असुर जाति के कल्याण के लिए तुम्हें अपनी असुरी वृत्ति पर संयम रखना होगा। असुरों के उत्कर्ष का एकमात्र उपाय जप, तप और व्रत का अंगीकार करना है, अन्यथा तुम दुर्दशा के भंवर में फंस जाओगे। आपके इस कथन पर हमें विश्वास नहीं है भोलेनाथ। हम असुर पृथ्वी वह स्वर्ग पर अपना अधिकार करके रहेंगे, ये हमारा अटल निश्चय है। यदि तुमने निश्चय कर ही लिया तो हमारे पास किस लिए आए? आदिकाल से हम असुर शिव को अपना आराध्य समझते रहे हैं, इसलिए हम अपने आराध्य के पास अपना अधिकार मांगने आए हैं। स्वर्ग व पृथ्वी पर अधिकार दिलाने के लिए आपको हमारी सहायता करनी ही होगी। कदापि नहीं, हम अन्याय और अधर्म में तुम्हारी सहायता कदापि नहीं करेंगे। लौट जाओ पाताल लोक को। तो आप भी सुन ले महादेव, हम संघर्ष करेंगे अपने अधिकारों को पाने के लिए। हम अपनी आसुरी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, मानव और देवताओं को अपने चरणों में झुकाएंगे और उन्हें अपना दास बनाएंगे। जो हमारा आधिपत्य स्वीकार नहीं करेगा उसे हम समाप्त कर देंगे।
चलो असुरो। प्रभु का नाम स्मरण जप है, कठोर संकल्प साध कर भगवान को प्रसन्न करना तप है। प्रभु स्मरण में सत्कर्म करते हुए दिन व्यतीत करना व्रत है। जप व व्रत को करने वाले साधक को सदाचार के साथ साथ जीव मात्र से मित्र भाव रखना अत्यंत आवश्यक है। आओ हम सब प्रभु नाम स्मरण करके अपना मन पवित्र कर ले। बोलो जप 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 हरि नाम जप, जप 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 हरि नाम जप, जप 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 श्री लक्ष्मी नाम जप, जप 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 श्री लक्ष्मी नाम जप, जप 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 शिव नाम जप, जप 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 शिव नाम जप, जप 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 माँ गौरी नाम जप, जप 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 माँ गौरी नाम जप। आओ देखते राज, प्रभु नाम स्मरण करके अपना जीवन पावन कर धन्य हो जाओ। जगत पालक भगवान श्री विष्णु की जय। जय जय। किसकी जय जयकार कर रहे हो तुम मूर्खो? हमें मूर्ख कहने वाले महामूर्ख कौन है तू? यदि अपने प्राण बचाना चाहते हो तो ये प्रलाप करने से पहले असुर राज नमूची की जय जयकार करो। असुर जय जयकार के नहीं तिरस्कार के पात्र है, चले जाओ यहाँ से। हमारे पवित्र वातावरण को दूषित ना करो। इन अबोध बालकों ने तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। इनके भगवान जप तप और व्रत से प्रसन्न होते हैं, हम तो केवल जय जयकार से प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारा उद्धार कर देंगे। बोलो असुरराज नमुची की जय। कदापि नहीं, चले जाओ यहाँ से। हम चले जाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हमें भगवान मानो, हमारी जय जयकार करो, अन्यथा हम तुम सबको एक ही प्रहार में समाप्त कर देंगे। भक्त जनों, भगवान श्री विष्णु हमारे रक्षक हैं, असुरों से भयभीत होने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो जगत पालक भगवान श्री विष्णु की जय। जय जय। इन मूर्खों की मृत्यु समीप आ गई है, असुरों इन सब को अपनी आसुरी शक्ति से समाप्त कर दो। स्वयं विराट रूप लेकर इन सब को समाप्त कर दूंगा। Ha 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 ha
विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करे, रक्षा करे भगवान, रक्षा करे, रक्षा करे भगवान, रक्षा करे। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। सुदर्शन, हमारे भक्तों की रक्षा हेतु प्रयाण करो। हरि के पिट्ठुओं, मैं अपनी आसुरी शक्ति से तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा।
देवा।